Good morning, third class. Today I am teaching you pronoun. Chapter number 4, pronoun. Now you speak with me spellings. P-R-O-N-O-U-N-S. Okay. Pronoun ki spelling kya hai? P-R-O-N-O-U-N-S. Pronouns. ठीक है, आज हम मैं आपको पूरी जो ये चैप्टर है एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी कि नाउन प्रनाउंस क्या होता है. ठीक है, तो ये देखिए, प्रनाउन आर वर्ड्स दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन्स. आप लोग भी मेरे साथ साथ में बोलिए, प्रनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन्स. जो वर्ड्स किसके नाउन की जगह यूज किया जाता है वो प्रनाउन कहलाता है. जैसे कि शी, ही, इट, नेम. यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ. ये देखिए, फॉर्म ए एंड फॉर्म बी. ठीक है, किसके साथ में क्या यूज किया जाता है. जहां पे आई हो वहां पे हमें मी यूज करना पड़ता है. यू के साथ में यू एंड ही के साथ में हिम. ही लड़कों के लिए आता है, हिम की जगह उसका. जब हमारे साथ वर्ड आता है उसका तो तब हम यूज हिम यूज करते हैं. शी लड़कियों के लिए आता है. जब हम उसकी मम्मी या उसकी सिस्टर हम यूज करते हैं तो तब वहां पे हर का यूज होता है. तो हर के लिए उसका या उसकी के लिए हो जाता है. इट निर्जीव वस्तुओं के लिए आता है. एंड वी का अस हो जाता है. वी मीन्स हम और अस मीन्स हमें. दे मीन्स वे और दे मीन्स उन्हें. ध्यान से सुनिए, दे मीन्स वे. वे वो सब क्या करते हैं. दे आर डूइंग. वे क्या कर रहे हैं. दे आर डूइंग. वे क्या कर रहे हैं. एंड देम. ठीक है, देम. देखा, देम. इस तरह से ये सारी आपके जो प्रनाउंस है, ही, शी, यू, यहाँ पे ये देखिए, ये सारे प्रनाउंस है आपके. आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सारे आपके प्रनाउंस है. जहां पे नाउंस यूज, कभी कभी हम जैसे नाम ना लेते हुए, जैसे हम बोलेंगे सीता, है ना, तो सीता हमने नाम लिया, तो सीता ना बोलते हुए जैसे हमने बोला कि सीता की मम्मी, है ना, सीताज मदर, तो हम बोलेंगे हर्ष मदर. जैसे यहाँ पे अशोक है, यहाँ पे देखिए अशोक है, तो हम बोलेंगे अशोक फादर्स या अशोक ब्रदर्स. तो हम उसको अशोक ना करते हुए हर फादर एंड हर मदर से हर सिस्टर हम लोग इस तरह से उसको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, जैसे यू के साथ में यू ही आता है. शी के साथ में जैसे हर डू स्टडी वहां पढ़ती है. हर डू स्टडी वहां पढ़ती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे हर डू स्टडी वहां उसकी किताब पढ़ती है. सॉरी, जैसे मीनाक्षी डूइंग वर्क, है ना, मीनाक्षी डूइंग वर्क. मीनाक्षी क्या कर रही है, काम कर रही है. तो मीनाक्षी डूइंग वर्क हर सिस्टर. ठीक है, वो किसका काम कर रही है, उसकी बहन का काम कर रही है. तो इस तरह से यहाँ पे आप प्रनाउन यूज कर सकते हो. जो वी भी मैंने आपको कहा, जैसे हम जाते हैं, है ना, तो इस तरह से वी गोज आ जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे वी गो, फिर यहाँ पे वी के साथ में अस, हमें चाहिए, है ना, जैसे हमें चाहिए तो यहाँ पे हो जाएगा वी नीड. जैसे ये हमें चाहिए तो वी नीड. ठीक है, वी अस, या फिर तुम हमें दोगे. यू अस, यू गिव अस, है ना, जैसे कोई तुमने मुझे कोई बुक्स दी या कॉपीज दी, तो वहां पे आ जाएगा कि तुमने हमें बुक्स दी, तो यू गिव अस बुक्स. इस तरह से यहाँ पे अस का यूज किया जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है एक्सप्लेन वाला, मैं आप लोगों को बता देती हूँ. ये जो एक्सरसाइज है आपकी, मैंने ये एक्सरसाइज पूरी आपको फिल करके दी है. यहाँ पे ये पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको ये फिल करके पूरी दी है. अब इसमें करना क्या है एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है ये है, यहाँ पे शेप व्हाट द प्रोनाउंस इन दिस सेंटेंस मींस. ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रनाउन के जो सेंटेंस है ना उनका मीन. तो ये देखिए, वेयर इज अशोक, हैज ही कम. ठीक है, वेयर इज अशोक, हैज ही कम. तो यहाँ पे प्रनाउन आपका क्या हो गया, ही हो गया. ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है प्रनाउन, ही. यहाँ पे देखिए, वेयर इज अशोक, हैज ही कम. ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रनाउन फाउंड करना है. तो प्रनाउन आपका क्या है, ही. प्रनाउन क्या है आपका, ही है यहाँ पे प्रनाउन. तो ही को हम क्या बोलेंगे, अशोक को हमने ही बोला है यहाँ पे. देखिए यहाँ पे, वेयर इज अशोक, हमने बोला है ना यहाँ पे वेयर इज अशोक. तो अशोक को क्या किया हमने, यहाँ पे ही कर दिया है. तो इसी तरह से हमारी ये जो एक्सरसाइज है पूरी, वो भी हमें ऐसे ही करनी है. मैंने ये फाउंड करके दिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो.
यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसे हिम है तो हिम हिम किसके लिए आया, मिस्टर रमन के लिए। इच है तो यहाँ पे बुक्स के लिए आया है, यू है तो मी के लिए आया, और यहाँ पे देम है तो योर के लिए। मतलब सेंटेंस के अंदर जो आगे हम लोगों को सेंटेंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये जो इनके आंसर है वो लिखे है। जैसे देम थे तो ग्रेप्स के बारे में बोला, दे है तो गर्ल्स के बारे में बोला, इच फोटोज देम कीज। तो इस तरह से ये मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज दी हुई है, इनकी फोटोज में आप लोगों को कर दूंगी। नेक्स्ट है आपके फिल इन द ब्लैंक्स विथ ही शी इट वी और दे। आप लोगों को इसमें क्या करना है फिल इन द ब्लैंक्स में, ये देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ही शी इट वी और दे का यूज करना है। किसके इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपको इन सारे प्रोनाउंस को यूज करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगी कि ये जो प्रोनाउंस है आई वी यू ही शी इट वी दे, ये सारे प्रोनाउंस आप अपने 100% श्योर आप अपने माइंड के अंदर इनको फिट कर लीजिए, अपने दिमाग के अंदर फिट कर लीजिए। क्योंकि हमारी पूरी जो ग्रामर है ना वो नाउन और प्रोनाउन पे ही डिपेंड है। पूरे अगर हमारे हमारे पास अगर नाउन और प्रोनाउन नहीं है तो हमारे ग्रामर नहीं है, क्योंकि हम किसको ही शी बताएंगे, है ना, किसको हम अशोक, मतलब जो भी है नाउन और प्रोनाउन की डेफिनेशंस, ठीक है। तो नाउन की डेफिनेशन जैसे नाउन इज द पर्सन प्लेस थिंग्स और एनिमल्स, है ना, और प्रोनाउन तो आपने पढ़ा कि दैट वर्ड इन यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं जो वर्ड्स। तो ये आपके डेफिनेशन है, फर्स्ट काम आपको आपकी डेफिनेशन करनी है, उसके बाद आपको फॉर्म ऑफ वर्ब आई यू शी करनी है, और इसके बाद आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है, देन आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। तो देखो एक दो एक्सरसाइज में आप लोगों को समझा देती हूँ, अदरवाइज थोड़ी बहुत आप कीजिए, आप लोग फील करना। ये देखिए, सरोज इज क्राइंग, ध्यान से सुन ले, सरोज इज क्राइंग, सरोज चिल्लाती है या रोती, रोने को नहीं चिल्लाएगी, बिकॉज बिकॉज हैज लॉस्ट आवर पेन, ठीक है। सरोज इज क्राइंग बिकॉज हैज लॉस्ट हर पेन, उसने क्या कर दिया, पेन को खो दिया। सरोज चिल्लाई, क्यों चिल्लाई, क्योंकि उसने क्या कर दिया, हर लॉस्ट पेन, लॉस्ट मतलब खोना, उसने अपने पेन को खो दिया। तो यहाँ पे सरोज को हमने क्या कर दिया, शी, किस तरह से किया, तो ये देखिए, सरोज इज क्राइंग बिकॉज शी हैज लॉस्ट हर पेन, उसने अपने क्या कर दिया। यहाँ पे हम सरोज भी कर सकते थे कि सरोज हैज लॉस्ट, सरोज हैज लॉस्ट हर पेन, बट हमने उसको सरोज ना करते हुए हमने सरोज को शी कर दिया, हमने प्रोनाउन यूज किया हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, द नाइफ इज इन ऑफ ऑन यूज इज ब्लंट, ठीक है, ब्लंट मीन तीखा। तो यहाँ पे देखिए, दिस नाइफ, चाकू, इज ऑन यूज, हम करते हैं इज ब्लंट, जो तीखा होता है। तो मैंने आपको कहा था कि क्या होता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए, जो नॉन लिविंग्स होती है उनके लिए इट का यूज किया जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इट यूज किया है। इट का यूज सेंटेंस मैंने बता दिया, एक मैं आपको ही का सेंटेंस बता देती हूँ। आई मीट डेविड, मेट मतलब मिलना, मैं किससे मिला, डेविड से, वॉच एट द मैजिक शो, ठीक है। ये देखो, वॉच एट द मैजिक शो, क्या बोला, आई मीट डेविड, मैं मिला ही, यहाँ पे ही आएगा, डेविड को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डेविड को क्या किया हमने, यहाँ पे ही कर दिया है। तो आई मीट डेविड ही वॉच एट द मैजिक शो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेविड को ही कर दिया है। यहाँ पे एक मैं आपको वी का भी सेंटेंस बता देती हूँ, ताकि अलग अलग सेंटेंस में आप लोगों को बता दूं तो आप लोगों को इजी रहेगा। डेविड एंड मोहन, ध्यान से देखिए, डेविड एंड मोहन वर टुगेदर आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे डेविड और मोहन क्या है, वर टुगेदर, एक साथ, मोहन और डेविड एक साथ, वी आर गुड फ्रेंड, क्योंकि वो क्या है, टुगेदर है, वी आर गुड फ्रेंड। यहाँ पे वी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा के लिए पूछा, ओनली फॉर अगर डेविड के लिए होता तो यहाँ पे हम उसका हिम कर देते, बट यहाँ पे डेविड एंड मोहन, दो बोध ऑफ क्यू के लिए पूछा है, बोध ऑफ के लिए पूछा है मोहन, तो यहाँ पे हम एक तो उसको सिंगलर्स नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे वी कर दिया है कि वी आर गुड फ्रेंड, ठीक है। कौन, मोहन और डेविड आर गुड फ्रेंड, तो हमने कर दिया वी आर गुड फ्रेंड। यहाँ पे एक सेंटेंस में आपको दे का भी बता देती हूँ कि दे का यूज कैसे किया जाता है।
शी पेंस आर नॉट फाउंड हियर एंड वेयर आर दे मीन्स वे, ठीक है. शी पेंस आर नॉट फाउंड हियर, उसने ये चीज यहाँ पे नहीं ढूंढी. वेयर आर दे, वे वहां थी, वहां जा रही थी या वहां थी, वे कहां थे, वे कहां है, ठीक है. वेयर आर दे, वे कहां है, आर का यूज है, आर मतलब है, कंटिन्यूस में चल रहे हो आप, तो दे वर, दे वेयर आर, ठीक है. तो वे कहां है, वेयर मीन्स कहां, कहां है. दे क्योंकि क्या है, प्यूलर है, क्योंकि दे में एक वर्ड नहीं आता है, बहुत सारे वर्ड आते हैं, दे में दे प्यूलर है, तो इसलिए यहाँ पे हमने आर का यूज किया है. यहाँ पे शी होता है तो शी के साथ में या तो हम वोज का यूज करते या तो हम इच का यूज करते. ये आपके सेंटेंस इजम आर के सेंटेंसेस आपके आगे आएंगे, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी. इस तरह से ये एक्सरसाइज आपको पूरी करनी है, पूरी ये वाली एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है.